हेलो बच्चो, बच्चों बच्चों ये डे ट्वेंटी थ्री का सॉल्यूशन वीडियो लेक्चर है बच्चों हम लोग इसमें क्वेश्चन नंबर वन से स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन वन इसमें क्या बोल रहा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द वाई जेड प्लेन वाई जेड प्लेन से हमें क्या करना है पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है ये बोल रहा है एक पॉइंट गिवन है इसका हमें वाई जेड प्लेन से डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो हमारे पास गिवेन पॉइंट क्या है गिवन पॉइंट ये पी पॉइंट है थ्री फोर फाइव तो बच्चे अगर इस पॉइंट का मैं रिफ्लेक्शन लूँ वाई प्लेन पर मान लो कि ऐसे करके न, माल है ना ये मान लेते हैं कि यह पॉइंट हमारा पी है थ्री फोर फाइव अगर मैं इस पॉइंट पे से परपेंडिकुलर ड्रा करूँ वाई प्लेन पर मान लेते हैं ये पॉइंट हमारा क्यू है ये जो प्लेन है हमारा वाई जेड प्लेन है रिफ्लेक्शन नहीं परपेंडिकुलर पेंडिकुलर ड्रॉ करूँ वाई जेड प्लेन पे तो इस क्यू पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा वाई जेड प्लेन है तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा तो ये हो जाएगा ज़ीरो फोर और फाइव और यही जो हमारा पी क्यू है ये रिक्वायर्ड डिस्टेंस होगा तो क्या हो जाएगा पी क्यू क्या होगा डिस्टेंस फॉर्मला लगा लो थ्री माइनस जीरो होल स्क्वायर प्लस फोर माइनस फोर होल स्क्वायर प्लस फाइव माइनस फाइव होल स्क्वायर अगर मैं इस पी पॉइंट से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया वाई जेड प्लेन पे तो हमें पॉइंट क्या मिला क्यू क्यू का कोऑर्डिनेट क्या होगा जीरो फोर फाइव बिकॉज वाई जेड प्लेन है तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा जीरो तो ये डिस्टेंस आ जाएगा ये क्या हो जाएगा ये भी ज़ीरो ये भी ज़ीरो तो थ्री आ गया तो देख लो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन यहाँ से हमें क्या मिल गया ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन ए हमारा क्या हो गया करेक्ट ऑप्शन होगी ठीक है ये सॉल्यूशन वन अब आते हैं सॉल्यूशन टू में क्या बोल रहे हैं व्हाट इज लेंथ ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट पी दिस ऑन वाई एक्सेस वाई एक्सेस पे मान लेते हैं कि हमारा वाई एक्सेस है ये पॉइंट हमारा परपेंडिकुलर है ऐसे डायग्राम ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है ये हमारे पास पॉइंट पी दे रखा है क्या दे रखा है थ्री फोर फाइव अगर बच्चे इस पॉइंट से मैंने परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया ना वाई एक्सिस पे मान लेते ये परपेंडिकुलर है ये हमारा परपेंडिकुलर है ये पॉइंट क्यू है और ये हमारा क्या है वाई एक्सिस तो अगर हमने परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया तो वाई एक्सिस पे एक्स कॉर्डिनेट और जेड कॉर्डिनेट क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा तो क्यू पॉइंट का कॉर्डनेट क्या हो जाएगा एक्स कॉर्डिनेट ज़ीरो यहाँ पे आ जाएगा फोर और वाई कॉर्डिनेट ज़ीरो तो पी क्यू क्या हो जाएगा तो ये भी डिस्टेंस फॉर्मूला से लगा लो ये क्या हो जाएगा थ्री माइनस जीरो होल स्क्वायर प्लस क्या होगा फोर माइनस फोर होल स्क्वायर एंड प्लस फाइव माइनस जीरो होल स्क्वायर तो पी क्यू क्या मिल गया हमारे पास नाइन प्लस ट्वेंटी फाइव नाइन प्लस ट्वेंटी फाइव इज रूट थर्टी फोर तो देख लो बी इज द करेक्ट ऑप्शन यहाँ से हमें क्या पता है? चला बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन बी हमारा क्या हो गया करेक्ट ऑप्शन ठीक है अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर थ्री में इसमें क्या बोल रहा है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट थ्री फोर फाइव फ्रॉम द ओरिजिन हमारे पास पॉइंट क्या दे रखा है थ्री फोर फाइव इसका हमें डिस्टेंस चाहिए कहाँ से चाहिए ऑरिजिन से चाहिए ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या है जीरो कॉमा ज़ीरो तो पी क्यू क्या हो जाएगा रूट अंडर थ्री माइनेस ज़ीरो होल स्क्वायर प्लस फोर माइनेस ज़ीरो होल स्क्वायर प्लस फाइव माइनेस ज़ीरो होल स्क्वायर यही हो जाएगा ना तो नाइन प्लस सिक्सटीन प्लस ट्वेंटी फाइव तो रूट फिफ्टी तो रूट फिफ्टी का मतलब क्या हो जाएगा ये रूट फिफ्टी तो ये हमारा ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे रूट फिफ्टी दे रखा है ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन ए क्या हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन ठीक है अब आते हैं सॉल्यूशन फोर में इसमें क्या बोल रहा है द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस एंड दिस इज रूट ट्वेंटी सेवन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए हमारे पास एक पॉइंट दे रखा है ए जीरो वन एंड जो दूसरा पॉइंट दे रखा है बी वो क्या दे रखा है जीरो वन टू इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस जो ए बी है वो क्या दे रखा है रूट ट्वेंटी सेवन तो डिस्टेंस कैसे निकालोगे ए माइनस जीरो होल स्क्वायर जीरो माइनस वन होल स्क्वायर एंड प्लस ऑफ वन माइनस टू होल स्क्वायर ये क्या हो जाएगा रूट ट्वेंटी सेवन यहाँ पे क्या हो गया बेटा यहाँ से आ गया ए स्क्वायर प्लस वन प्लस वन इज इक्व टू रूट ट्वेंटी सेवन ठीक है तो यहाँ से क्या हो गया स्क्वायरिंग कर दिया हमने दोनों साइड ए स्क्वायर प्लस टू इज इक्वस टू ट्वेंटी सेवन तो यहाँ से ए की वैल्यू हमें क्या मिल गई प्लस माइनस फाइव देखो है ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन दिस एम्प्लाइज डेट बी इज द करेक्ट ऑप्शन बी हमारा क्या हो गया करेक्ट ऑप्शन अब आ जाओ सॉल्यूशन सिक्स में सॉरी सॉल्यूशन फाइव में इसमें क्या बोल रहा है एक्स एक्सिस इज द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन एक्स एक्सिस जो होता है किन दो प्लेन का इंटरसेक्शन होता है तो एक्स एक्सिस जो होता है वो एक्स वाई एंड वाई जेड का इंटरसेक्शन होता है ठीक है सॉरी एक्स वाई एंड एक्स जेड का इन दोनों में कॉमन है ना जैसे ये हमारा ऐसे देखो ये हमारा एक्स एक्सिस है ये ओरिजिन है ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है तो एक्स वाई प्लेन एंड एक्सैड प्लेन ये जो एक्सैड प्लेन है इनका जो इंटरसेक्शन होगा यही हमारा एक्स एक्सेस हो जाएगा तो एक्स वाई एंड एक्सड प्लेन का इंटरसेक्शन क्या होगा हमारा एक्स एक्सेस तो एक्स वाई एंड एक्सड ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन ठीक है ये हो गया हमारा सॉल्यूशन फाइव अब आ जाते हैं बच्चे सॉल्यूशन सिक्स में इक्वेजन ऑफ वाई एक्सिस इज कंसिडर्ड एज वाई एक्सिस का इक्वेजन क्या होता है वाई एक्सिस पे एक्स कॉर्डिनेट जीरो होता है एंड जेड कॉर्डिनेट जीरो होता है वाई एक्सिस पे होता है ना तो क्या हो जाएगा देख लो एक्स कॉर्डिनेट एज वेल एज जेड कॉर्डिनेट जीरो तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन सोलूशन सेवन ये जो बच्चे पॉइंट दे रखा है ना पी पॉइंट सेवन में आ जाओ क्या दे रखा है पी पॉइंट हमारा दे रखा है एक मिनट पी पॉइंट दे रखा है हमारा माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर बोला है किस क्वाड्रेंट में लाइक कर रहा है तो इसके तो एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट तीनों हमारा क्या है निगेटिव है तो तीनों निगेटिव कोऑर्डिनेट किस क्वाड्रेंट को ऑक्टेंट में लाइक करते हैं सेवन ऑक्टेंट में तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बी इज द करेक्ट ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन ठीक है सॉल्यूशन एट में आते हैं ए प्लेन इज पैरेलल टू वाई जेड प्लेन सो इट इज परपेंडिकुलर टू अगर कोई भी प्लेन जो है ना वाई जेड प्लेन के पैरेलल होगा तो किसके पै परपेंडिकुलर होगा बताओ एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर होगा कैसे ये देख लो ये हमारा Z है ये हमारा Y है अगर कोई भी प्लेन ये हमारा क्या हो गया वाई जेड प्लेन हो गया ये हमारा वाई जेड प्लेन हो गया अगर कोई भी एक दूसरा प्लेन जो है इस वाई जेड पे पर पैरल हो ये प्लेन है ना वाई जेड प्लेन पे पैरल है तो ये परपेंडिकुलर होगा ना किस पे होगा एक्स एक्सिस पे ठीक है तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ए प्लेन इज पैरल टू वाई जेड प्लेन सो इट इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सेस तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन ए हमारा क्या हो गया करेक्ट ऑप्शन हो गया सॉल्यूशन नाइन में आ जाओ द लोकस ऑफ ए पॉइंट फॉर विच वाई इज इक्वल टू जीरो एंड जेड इज इक्वल टू जीरो बोला है कि उस पॉइंट का लोकस निकालो जहां पे y भी जीरो हो एंड z भी जीरो हो तो y जीरो z जीरो कहाँ लाई करता है x एक्सिस पे तो ये क्या हो जाएगा इक्वेजन ऑफ x एक्सिस ए इज द करेक्ट ऑप्शन ये हमारा क्या हो गया करेक्ट ऑप्शन हो गया सोल्यूशन टेन में आ जाओ द लोकस ऑफ ए पॉइंट फॉर विच एक्स इज इक्वस टू जीरो एक्स इज इक्वल टू जीरो कहाँ होगा वाई जेड प्लेन पे वाई जेड प्लन पर कोई भी पॉइंट उठा लो उसमें एक्स कोऑर्डिनेट इज ऑलवेज़ ज़ीरो हमारा वाई एक्सिस ये जेड एक्सिस ऑरिजिन तो ये जो हमारा प्लेन है ना इस पर कोई भी पॉइंट उठा लो इस प्लेन पर किसी भी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट इज ऑलवेज ज़ीरो तो बोल रहा है यहाँ से क्या हो जाएगा वाई जेड प्लेन तो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन ओके बच्चों थैंक यू वेरी मच